दोस्तों, दिख रहा है ना ये कितना टेस्टी, कितना लाजवाब। बहुत दिनों के बाद मैंने कुछ स्पाइसी बनाया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी है और काफ़ी ही आसान तरीके से बन जाती है। यहाँ पर मैंने पानी में चावल को उबालने के लिए रख दिया था और मेरे चावल अब तैयार है। इसे मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी और अपनी सब्जियों को काट लूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पनीर की सेजवान ग्रेवी बनाऊंगी, जो बहुत अच्छी लगती है, हम सबको बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं पनीर पर लगाने के लिए कोटिंग तैयार करूंगी। यहाँ पर मैंने चावल का आटा ले लिया है, मैं उसमें नमक ऐड करूंगी और उसे मिक्स करके साइड में रख दूंगी और अपने पनीर को कट कर लूँगी। इस पनीर के टुकड़ों को मैं अच्छे से इस चावल के आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। बाद में इसी में मैं थोड़ा सोया सॉस और थोड़ा सा पानी डालकर एक बैटर बनाकर पनीर को उसमें रख दूँगी, ताकि उसमें नमक और सोया सॉस का फ्लेवर अच्छे से चले जाए। यह रेसिपी बहुत ही सिंपल है पर बहुत टेस्टी है। आप इसे आराम से घर में बनाएं और अपने पूरे परिवार के साथ इसे एंजॉय करें। तो चलिए फिर अब मैं सेजवान ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। सेजवान इसके लिए मैंने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े को अच्छे से पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था और तेल में इसे डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी। इसे हमें धीमे धीमे 5 से 10 मिनट तक भूनना है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, ताकि मेरी सेजवान की ग्रेवी कुछ दिनों तक चले। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और अजीनोमोटो डाल दिया है। अजीनोमोटो बहुत लोग नहीं खाते, पर इसके बगैर वो चाइनीज़ का स्वाद नहीं आ पाता। अब मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दूँगी। मैंने पिंच भर इसमें फूड कलर ऐड किया है, ताकि ये हमें बाहर की तरह ही दिखे। अब मैं इसमें मिठास के लिए थोड़ा सा शक्कर ऐड कर लूँगी। इस शक्कर को हमें थोड़ा ही डालना है, ताकि हमारी सेजवान ग्रेवी काफ़ी तीखी, खट्टी और मीठी अच्छी बने। अब मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर ये खाने में बहुत ज़बरदस्त होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इस ग्रेवी को आप बनाकर फ्रिज में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। हम सफ़र में भी इसे लेके जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी। मैंने जिस बैटर में पनीर को मिक्स किया था, अब मैं वही बैटर सेजवान सॉस में डाल दूँगी, ताकि मेरा सेजवान ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी बने, काफ़ी अच्छी बने। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे डालने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है। आप देखेंगे कि इसका कलर शाइनिंग हो जाएगा और ये काफ़ी सिंपल और अच्छी रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि ये बन चुका है, तो मैं इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दूंगी। स्प्रिंग ऑनियन का टेस्ट सेजवान के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने गाजर के बारीक बारीक टुकड़े और शिमला मिर्ची को ऐड किया है और इसे मैं 1 मिनट तक भून कर इसके अंदर मेरे फ्राई किए हुए पनीर को ऐड करके मैं इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारी पनीर की सेजवान ग्रेवी तैयार है। इस वक्त हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, इसलिए मैंने पनीर से ग्रेवी बनाई है। आप इसे चिकन के साथ, मशरूम के साथ और भी कई वेजिटेबल्स के साथ आप बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। मैंने वही सेजवान ग्रेवी में अपनी कटी हुई सारी सब्जियों को ऐड कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी और इसमें अपने चावलों को डाल दूँगी, जो मैंने पहले बना कर रख दिए थे। मैं इसमें चावलों के हिसाब से नमक और सोया सॉस ऐड कर लूँगी। साथ ही इसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से ऐड कर लिया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ग्रेवी चावलों में अच्छे से लग जाए।
आप देख सकते हैं कि मेरा राइस तैयार हो चुका है और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। आप पहले से ही सेजवान ग्रेवी को बनाकर फ्रिज में रख ले तो टिफ़िन बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, ये बहुत सिंपल मेथड है। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा। मुझे आपके सब्सक्राइब की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा कल मिलती हूँ।